ओके, क्या आपको इसी तरीके से शॉर्ट रेंज, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज पर तगड़ा हेडशॉट लगाना है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज का वीडियो में मैं आपको हेडशॉट का एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिसको बाहर कंट्री के बड़े बड़े यूट्यूबर्स लाइक व्हाइट एफएफ यूज करते हैं एंड इस वाली टेक्निक को यूज करने के बाद उनका सारा का सारा गोली हेडशॉट लगता है। उसी सेम टेक्निक को आज मैं आपको सिखाऊंगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अरे छोड़ना स्टॉर्म शक्ति, हमारा हेडशॉट नहीं लगने वाला, हमारा पुराना फोन है एंड हमारा फोन का रैम भी कम है एंड जब भी मैं गेम खेलता हूँ मेरा फोन बहुत लैग करता है, उसमें क्या इस वाली हेडशॉट ट्रिक काम करेगा। सुनो, आपका जितना भी पुराना फोन क्यों ना हो, आपका फोन का रैम जितना भी कम हो, इस वाली वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका 100% पक्का हेडशॉट लगेगा। अरे स्टॉर्म शक्ति वो तो ठीक है, बट हमें ये तो बता दे इस वाली हेडशॉट ट्रिक का नाम क्या है। ओके, इस वाली हेडशॉट टेक्निक का नाम है अपर हेड ड्रैग टेक्निक, जिसको यूज करके आप आसानी से एक्सट्रीम कंडीशन में भी हेडशॉट लगा पाओगे। सो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक बट इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि हेडशॉट मारने के लिए चाहिए, वो है परफेक्ट सेंसिटिविटी। यहाँ पे मैं सिर्फ सेंसिटिविटी बोल सकता था बट उसके आगे परफेक्ट लगाने का रीजन क्या है पता है? उसी परफेक्ट वार्ड के अंदर आपका हेडशॉट ना लगने का रीजन छुपा हुआ है। देखो, सेंसिटिविटी एक ऐसा चीज है जो कि आपका हेडशॉट लगा सकता है या फिर उसको बिगाड़ सकता है। हर एक फोन का सेंसिटिविटी अलग होता है, जैसे कि आपका और आपका दोस्त का गर्लफ्रेंड अलग होता है। वैसे शक्ति भाई दोनों का एक भी हो सकता है ना। कट 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 कर देना इस पार्ट को। मजाक की बात साइड में, सेंसिटिविटी आपके फोन के ऊपर वैरी करता है। मतलब अगर आपके पास आईफोन है देन एंड्रॉइड के मुकाबले आपका सेंसिटिविटी ज्यादा होगा एंड एक कम बजट वाली फोन का सेंसिटिविटी कम होगा आज कंपेयर टू ज्यादा बजट वाली फोन। तो फिर स्टॉर्म शक्ति, हेडशॉट मारने के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी क्या है? फोन का रैम एंड प्रोसेसर हाई है एंड जिनके पास आईफोन है तो उनके लिए बेस्ट एंड परफेक्ट सेंसिटिविटी क्या है? देखो, पहली बात, जिनके पास अच्छा फोन है वो लोग डीपीआई के पीछे मत पड़ो, क्योंकि आपका सेंसिटिविटी पहले से हाई होता है। एंड बात करें गेम सेंसिटिविटी की, आपको अपना जनरल सेंसिटिविटी को 80 से लेके 90 के बीच में रखना है, उससे ज्यादा नहीं। एंड अगर उससे ज्यादा रखते हो देन आपका एम एनिमी के हेड के ऊपर कम लॉक होगा एंड आसमान को ज्यादा चुमा देगा। एंड जिनका फोन पुराना है 2GB, 3GB, 4GB रैम है, वो लोग पहले तो हमेशा अपना जनरल सेंसिटिविटी को फुल यानी 100 रखो, क्योंकि आप लोगों को ही ज्यादा सेंसिटिविटी का जरूरत है। एंड आप अपना सेंसिटिविटी को और भी बढ़ा सकते हो इन दो चीज का यूज करके, पहला पॉइंटर स्पीड एंड दूसरा डीपीआई। इन दो सेटिंग को कितना बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वाली वीडियो को देखने के बाद उसको देख लेना। ओके, अभी बारी आता है हमारा वीडियो का मेन पॉइंट की, जो कि है अपर हेड ड्रैग टेक्निक, अपना एम को सेट करने का ऐसा टेक्निक जिससे आप जो भी गोली मारोगे एनिमी के हेड पर लगेगा। तो फिर चलो देखते हैं इसको करना कैसे है। इस वाली टेक्निक में आपको अपना एम यानी क्रॉस एयर को एनिमी के हेड से ऊपर रखना होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। इतना कर लेते हो तो समझो आपका 50% काम खत्म एंड बाकी की 50% काम करेगा आपका फायर बटन। एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अपर हेड ड्रैग टेक्निक में आपको अपना फायर बटन को ड्रैग करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले आपको अपना एम को सेट करना है, देन आपको अपना फायर बटन को थोड़ा सा नीचे लाकर जल्दी से ऊपर ड्रैग कर देना है। फिर से देखो, आपको सबसे पहले अपना फायर बटन को नीचे लाना है, देन क्विकली ऊपर ड्रैग करना है, देन आपका हेडशॉट लग जाएगा। अच्छा, तो स्टॉर्म शक्ति सबसे पहले तू मार के दिखाना, हेडशॉट लगेगा तो हमें भी पता लग जाएगा। सबसे पहले लॉन्ग रेंज पर मार के दिखा। बस बस, लॉन्ग रेंज पर तो मैं भी मार सकता हूँ, मारना है तो मिड रेंज पर मार के दिखा। अरे शक्ति भाई का सच में हेडशॉट लग रहा है। अरे तू चुप करना, मिड रेंज पर मार लिया, थोड़ी ना शॉर्ट रेंज पर हेडशॉट लगेगा। अच्छा स्टॉर्म शक्ति, इस टेक्निक को यूज करके शॉर्ट रेंज पर हेडशॉट मार के दिखा, तब भी जाकर हम लोग मानेंगे। तो फिर ठीक है, शॉर्ट रेंज पर भी देख लो। अरे बाप रे, शक्ति भाई तो शॉर्ट रेंज पर भी मार रहे हैं। देख लिया ना, आप इस टेक्निक को यूज करके किसी भी सिचुएशन में तगड़ा हेडशॉट लगा पाओगे। बट रुको, लास्ट में एक ऐसा चीज है, अगर आप उसको नहीं करते हो देन आपका इतना अच्छे से हेडशॉट नहीं लग पाएगा एंड वो चीज है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि अभी वीडियो देख लिया एंड सीधा क्लास कोड में चले गए एंड वहां पे एनिमी के सर के ऊपर एम लेकर ड्रैग कर रहे हो तो सारा गोली आसमान में चला जा रहा है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले मैंने जो आपको टिप्स बताया उसको फॉलो करो एंड ट्रेनिंग में डमी पर हेडशॉट मारने का ट्राई करो एंड आप जब भी उस चीज पर प्रैक्टिस करोगे तो आप और भी बेहतर बनते जाओगे एंड आप जहां पर भी खेलोगे तगड़ा हेडशॉट मार। सेटिंग कहां पर मिलता है एंड उसका काम क्या है वो जानना चाहते हो देन लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो, नहीं तो अगर आप डीपीआई के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो देन राइट वाली वीडियो को मिस मत कर देना। और मेरा 30 मिनट पब्लिक पहले 30 मिनट के अंदर अंदर जो भी वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उन सभी को मैं अपना हार्ट एंड रिप्लाई दूंगा। सो जल्दी जल्दी से काम में लग जाओ।